बट नॉट खतरनाक इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट्स बिकॉज लीस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैव हैपेंड ऑफ एलएनजी कैरियर्स, सबसे कम हुए एलएनजी कैरियर्स पे अगर आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लेंगे तब भी। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मार्केट की डिमांड, एवरीवन वांट्स टू जॉइन बिकॉज दे वांट टू अर्न मोर मनी, दैट इज एलएनजी कैरियर। सैलरी सबको पता है, बट स्टिल इस वीडियो के अंदर आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट एलएनजी कैरियर्स, क्या क्या होते हैं इसमें, क्या क्या चीजें होती है, कितनी सैलरी जाती है, एक एलएनजी कैरियर पर डे कितना कमाता है, एवरीथिंग। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो, लेट्स सी। सो पहले जानते हैं व्हाट इज अ एलएनजी। पहले एलएनजी क्या है भाई? एलएनजी इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये क्लियर ओडरलेस गैस होती है। टिपिकली ये बॉइल हो जाती है एट -162 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अगर इस रूम का मैं टेम्परेचर -162 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूंगा तब जो ये एलएनजी गैस है, विच इज बेसिकली मीथेन CH4, वो लिक्विफाइड हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं लिक्विड क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर आप उसे लिक्विड बनाओगे, लिखा हुआ है बेसिकली मीथेन। लिक्विड बनाने में क्या होता है, अगर इस पूरे रूम में जितनी गैस है तो ये पूरा रूम जब शिफ्ट होगा तो ये गैस इतनी जाएगी, लेकिन अगर इसमें पूरे रूम को गैस को लिक्विफाई कर दूं तो सिर्फ इतने से कंटेनर के अंदर पूरी गैस आ जाएगी। सो बेसिकली कहने का मतलब है मोर अमाउंट ऑफ गैस कैन बी कैरिड इन लिक्विड फॉर्म, राइट। जो आप घर पे अपना एलएनजी सिलेंडर, सीएनजी सिलेंडर यूज करते हो, अगर वो लिक्विफाइड फॉर्म में ना हो तो पता है वो कितना बड़ा सिलेंडर घर पे आएगा? इतना भी नहीं बॉस, बहुत बड़ा। तो नॉट कमर्शियली वायबल, तो लिक्विफाइड में ही कैरी करी जाती है, दैट इज वाई एलएनजी कैरियर्स कम इन टू प्लेस। तो लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन इज गैस को लिक्विफाइड फॉर्म में करते हैं। लिक्विफेक्शन रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ नेचुरल गैस बाय अराउंड 600 टाइम्स। सो 1 लीटर ऑफ लिक्विफाइड गैस इज इक्वल टू 600 लीटर इन फॉर्म ऑफ गैस। सो 1 लीटर इन लिक्विड फॉर्म इज इक्वल टू 600 लीटर इन गैस फॉर्म, मेकिंग इट मोर प्रैक्टिकल फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो अगर ये जो इतना बड़ा टर्मिनल देख रहे हो, से इसके अंदर लिक्विफाइड नेचुरल गैस है इन कंप्रेस्ड फॉर्म, सॉरी इन लिक्विफाइड फॉर्म, सो यहां तक भरा हुआ है, लेकिन अगर वो गैस फॉर्म में होगा तो ये 600 गुना बड़ा होना चाहिए। सोचो आधी सिटी ऑक्यूपाई कर लेगा। सो दैट इज वाई इन लिक्विफाइड फॉर्म। एलएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन, फ्यूल फॉर शिप, ट्रक्स, हीटिंग, एवरीथिंग लाइक एलपीजी। ओके गाइज, आगे ओवरव्यू मैंने बता दिया, व्हाट आर दीज एलएनजी, व्हाट इज एलएनजी गैस, बट ये एलएनजी गैस हम कैरी करते हैं थ्रू दिस एलएनजी कैरियर, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 3 types ऑफ एलएनजी कैरियर होते हैं गाइज। 1 is MOS टाइप, 2 is membrane टाइप, 3 is self-supporting prismatic type। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑल आई वांट टू से दिस MOS टाइप इज लाइक अ गुंबद, membrane टाइप आपको पता नहीं चलेगा, एंड सेल्फ सपोर्टिंग prismatic टाइप भी पता चलेगा। जस्ट थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। दीज कैरियर्स हैव अ MOS टाइप कार्गो कंटेनमेंट सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ स्पेरिकल टैंक्स दैट आर सपोर्टेड बाय एन इंटरनल फ्रेमवर्क। MOS टाइप एलएनजी कैरियर्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस सेफ एंड लेस एफिशिएंट, ये तो मुझे भी नहीं पता था, देन मेम्ब्रेन टाइप कैरियर्स, बट दे हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू कैरी मोर कार्गो। बट नाउ इफ इट इज लेस सेफ, लेस एफिशिएंट, शुड वी कैरी ऑन दिस? आई गेस नो, बिकॉज एलएनजी इज हाईली खतरनाक, तो इसलिए शायद मे बी वी स्टार्ट विद MOS टाइप बट देन वी केम टू मेम्ब्रेन टाइप एंड सेल्फ सपोर्टिंग टाइप। दीज कैरियर्स हैव अ मेम्ब्रेन टाइप कार्गो कंटेनमेंट सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन मेटल एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स। द मेम्ब्रेन इज डिजाइन टू कंटेन द कार्गो इन अ लिक्विड स्टेट एंड प्रिवेंट लीक्स। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। सेल्फ सपोर्टिंग प्रिज्मैटिक टाइप, दीज कैरियर्स हैव अ सेल्फ सपोर्टिंग प्रिज्मैटिक कार्गो कंटेनमेंट सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ सेवरल लार्ज प्रिज्म शेप टैंक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जय माता दी। देखते हैं सीधा क्या हो रहा है, बहुत बोरिंग लग रहा है मुझे भी। सो MOS टाइप अंदर से ऐसा दिखता है, दिस इज हाउ MOS टाइप लुक्स फ्रॉम इनसाइड, दिस इज हाउ अ मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर लुक्स फ्रॉम इनसाइड, एंड दिस इज हाउ अ सेल्फ सपोर्टिंग प्रिज्मैटिक टाइप लुक्स फ्रॉम इनसाइड, इसके अंदर आपकी एलएनजी गैस कैरी हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दिस इज हाउ अ MOS टाइप एलएनजी कैरियर लुक्स। इफ यू वॉन्ट टू सी द होल वीडियो, यू कैन गो टू 3D लिविंग स्टूडियो एंड यू कैन वॉच ओवर द क्रेडिट, उनको जाता है भाई पूरा, मेरे को नहीं। आगे नेक्स्ट। Membrane type tanks. This design has advantages over spherical tanks for cargo capacity. The tank is more rectangular-like and consists of several layers. Primary barriers. अब यहां पर देखिए बहुत सारे लेयर्स हैं। Why these layers? Because हम चाहते हैं कि जो अंदर टेम्परेचर है से -170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन, हम नहीं चाहते कि वो टेम्परेचर कम हो। टेम्परेचर, हाउ विल द टेम्परेचर रिड्यूस व्हेन द हीट इज कमिंग आउट। सो बहुत सारे इंसुलेटिंग लेयर्स रहते हैं अंदर, सो दैट द टेम्परेचर इनसाइड डज नॉट गो और शुड नॉट इंक्रीज, बिकॉज हीट ट्रांसफर टेक्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो बाहर चाहे टेम्परेचर 40 डिग्रीज है, बट बिकॉज ऑफ दिस इंसुलेटिंग लेयर्स द टेम्परेचर विल नॉट एंटर इनसाइड एंड इंक्रीज इट टेम्परेचर, नहीं तो जय माता दी हो जाएगी। कॉपी इट गाइज। सो दिस इज वाई दिस इंसुलेटिंग लेयर्स आर देयर। वो आप लोग गो एंड रीड अबाउट थर्मोस फ्लास्क,
वो घर में होता है ना, गर्म चाय पीते हैं 10-10 घंटे गर्म पड़े, वो कैसे होती है, गो रीड दैट, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंसुलेटिंग मटेरियल. ओके चलिए आगे. नेक्स्ट इज सेमी सेल्फ सपोर्टिंग प्रिज्मेटिक टैंक. The cargo tanks are inside the hull, but the tanks are independent. They are not part of the ship's hull. SP. So this is the thing, guys. अगर आपको और डिटेल में जानना है तो प्लीज गो थ्रू दिस YouTube चैनल 3D Living Studio एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. आई रियली रिस्पेक्ट देम फॉर शेयरिंग सच अ गुड इनसाइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अभी हम जो हमारी स्ट्रेंथ उस पर काम करते हैं. सैलरी सैलरी सैलरी, पैसा पैसा पैसा. डेक कैडेट्स 15 इंजीनियर्स $350-$750 अप्रॉक्सिमेटली इतना ही रहता है. ETOs $8,000-$10,000 per month. This is good enough. Third officer, fourth engineer $2,500-$4,000 per month. Second officer, third engineer $5,000-$6,000 per month. Chief officer, second engineer $12,000-$14,000 per month. Captain or chief engineer $18,000-$20,000 per month. Now this is a reference depending on the type of shipping company that you have joined. कुछ shipping companies में $16,000 भी मिल रही है और कुछ में $22,000 भी salary मिल रही है captain और chief engineer को. So it's a variant, but जो general है that is what we have shared over here. Next slide please. एडवांटेज ऑफ मर्क्यूरी एलएनजी कैरियर, सबसे पहले यार सैलरी, यार हाई अर्निंग पोटेंशियल, नो डाउट, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग शिप्स अलोंग विद क्रूज शिप्स. टेक्निकल एक्सपर्टीज, यू बिकम अ मास्टर, मतलब यू आर वर्किंग ऑन द कस्ट, मतलब सबसे बड़ी जगह पे, खतरनाक जगह पे काम कर रहे हो. खतरनाक इन द सेंस वेयर द मोस्ट ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, बट नॉट खतरनाक इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट्स, बिकॉज लीस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैव हैपेंड ऑफ एलएनजी कैरियर्स, सबसे कम हुए एलएनजी कैरियर्स पे. अगर आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लेंगे तब भी. Experience with hazardous cargo, आप सीखते हैं, you learn and the best go over there. You learn responsibility and leadership. Can you imagine? You're working on a LNG carrier which is such a cost. Per day की cost कितनी है? Per day how much LNG carrier runs? You will note down in the next slides which are coming. So you are working at such a high. That is why you are getting paid more. चलो आगे दिखाते हैं. Anyways, disadvantages again less shore leaves by. Career advancements, advancement challenges, slow promotions, strict regulation inspections. भूल जाओ. Tough life, it is not easy. When you are getting paid more, it is for your responsibility, for expertise, for your training, and maybe you are ready to sacrifice on your shore leaves, to sacrifice on your promotions, to sacrifice on easy life, right? And safety risk to hai hai bhai. Jai Mata Di. Copy it, guys. LNG loading again. LNG, ye aap, you go to a LNG port, jahan par aapne, they are going to export. So over there, it goes to LNG carrier. And LNG carrier takes to another country where it is unloaded into another terminal. Copy it, guys. So unloading process at regasification terminals and loading process at liquefaction plants. This is what I have written. मैं कभी LNG carriers पे गया नहीं, but इतना समझता हूँ कि एक port से ship पे, from ship to the other port. जय माता दी. Next please. So top 5 exporters of LNG in terms of million metric tons per year. Australia 87.6, United States 92.9 million metric tons per year export, Algeria 25.3 million metric tons per year, Russia 31.1 million metric tons per year, and Qatar is 77.4 million metric tons per year. Achha ji, US is also exporting a lot. Okay, fine. Next is top 5 importers of LNG in million metric tons per year. Japan 98.3, South Korea 63.9, Spain 28.8, France 35.1, China 93.2 million metric tons per year. So your top 5 importers of LNG. Next please. How much LNG carrier earns per day? Now this is assuming ki aapka jo ship ki capacity mein matter bhi karta hai. So if your ship capacity is 160,000 meter cube in October 2023, LNG carrier of this capacity was earning 1.25 crores per day. But the same ship in November, market went up, was earning 1.4 crores per day. So imagine a ship is earning 1.4 crores per day. So definitely they are going to pay you more, but they are going to hire the best. Copy it. Next. I hope you like this video. Agar acha laga hai to for more information subscribe YouTube channel Merchant Navy Decoded. Instagram pe follow me at Chief Engineer Praneet, and this is the WhatsApp number where you can, if you have got any query, and you can also mention the comment section. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di.